मेरे साथियों, 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों सोच लो, केंद्र की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, जब कृषि कानून, काले कानून को जब वापस ले सकती है, तो ये बिहार की सरकार क्या है केंद्र की सरकार को बताओ। इतना बड़ा हिंदुस्तान का भूभाग में वो सरकार अपने किए हुए काम को पीछे हटा, इसलिए ये वैसे विकृत मानसिकता के लोगों पर सीधा तमाचा है मुंह पे, जो कहते थे कि सरकार पीछे नहीं हट सकती। सरकार पीछे हट नहीं सकती, हटेगी हटेगी, और हमें पूरा भरोसा है हम हटा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आपने द पंचायत देखना शुरू कर दिया। आपको हम बताते चले कि एसटीईटी का 2019 में फॉर्म निकला था, उसके बाद जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उसके बाद उसकी परीक्षा दी थी उन्होंने, उसके बाद अभी तक बहाली नहीं हुई उनकी, आए दिन सड़कों पर भटकते रहते। इसी बीच हमारे साथ एसटीईटी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल, आंदोलन करने वाले हैं आप, क्या 28 नवंबर को हम सभी स्टेट मेरिट के 30,675 अभ्यर्थी पटना की सड़कों से हुंकार भरेंगे और सरकार को आह्वान करेंगे कि स्टेट 2019 जो आपने विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन में जो चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया था उसका पालन करो। उस चयन प्रक्रिया के आधार पर मैंने फॉर्म भरा, चयन की प्रक्रिया के आधार पर मैंने 500 रुपये दिए, उस चयन की प्रक्रिया के आधार पर हमने 3 साल तक इंतजार किया। मैं HCL में जॉब करता था महोदय, HCL की नौकरी छोड़ करके मैं बिहार आया और उस विज्ञापन के आधार पर हमने जिंदगी दाव पर लगा के 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिया। विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट 21 जून 2021 को निकलता है और उसके बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। 26 जून को सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है कि विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। हम इसको खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा तो है ही हमारे लिए, सड़क के दरवाजे भी खुले हैं और हम सरकार को एक संदेश देंगे कि आप सरकार में रह करके असंवैधानिक काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं करने देंगे। ये बात है। अगर हार और विज्ञापन में अगर चुनना होगा, हार और मौत में, तो हम मौत को चुन लेंगे लेकिन विज्ञापन को खंडन नहीं होने देंगे। मैं आपके जरिए अपने, इसलिए मेरे साथियों, 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों सोच लो, केंद्र की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, जब कृषि कानून, काले कानून को जब वापस ले सकती है, तो ये बिहार की सरकार क्या है केंद्र की सरकार को बताओ। इतना बड़ा हिंदुस्तान का भूभाग में वो सरकार अपने किए हुए काम को पीछे हटा, इसलिए ये वैसे विकृत मानसिकता के लोगों पर सीधा तमाचा है मुंह पे, जो कहते थे कि सरकार पीछे नहीं हट सकती। सरकार पीछे हट नहीं सकती, हटेगी हटेगी, और हमें पूरा भरोसा है हम हटा देंगे। कोई रह नहीं सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस धरती पर अगर किसी को राज करना है तो संविधान के अनुसार काम करना होगा। यहाँ पे बापू का विचार और बाबा साहब का विधान चल सकता है। अगर कोई दूसरा अपना चलाने की कोशिश करेगा तो हम उसे कुचल कर फेंक देंगे। हमने भी पहले ये बताइएगा कि आए दिन आप सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान के नीचे जू भी नहीं रेंग रहा, ऐसा क्यों? नहीं, रैंक तो रहा है। हमारे खिलाफ आज से 3 महीना पहले हम स्टेट मेरिट के लड़कों को कोई इज्जत नहीं थी। हमको पॉलिटिकल फुटबॉल जो कहे वो कह दे कि स्टेट मेरिट गलत है, आज किसी के कुव्वत नहीं है जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा दे। ये हमारी जीत है, मॉरल जीत है, लेकिन अब हमें कागजी जीत और कानूनी जीत की ओर बढ़ना है और हम बढ़ेंगे। और सभी मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों के आपके चैनल के जरिए हम आमंत्रित करते हैं कि मेरे साथियों, मैंने 3.5 महीने में एक गड़ा जमीन के अंदर दफन किया हुआ एस्टेट मेरिट का मुद्दा को उठा करके टॉप पे पहुंचाया। आप मेरा साथ दो। 28 नवंबर को दिन एकदम आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। शीतकालीन सत्र के पहले एकदम आजमाना है, अपनी आवाज़ को बुलंदियों से उठाना है मेरे साथियों कि एस्टेट मेरिट के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे और विज्ञापन का पालन सरकार को करना ही होगा। इसलिए आप आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आप देखिए काला कानून में जब लोग, किसान जब सड़कों पर उतरे तो सरकार पीछे हटी कि नहीं हटी, तो ये कैसा इंसाफ, ये कैसा सोच जो कहते हैं कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार पीछे हटेगी। आप अपने भाई पे भरोसा रखना, एक पढ़ा लिखा इंसान, सब कुछ जानता हूँ, जीवन का अनुभव है मेरे साथियों, इस सरकार को हम पीछे धकेल देंगे। अगर नहीं हटेगी तो धक्का मार के धकेल देंगे पीछे, लेकिन सरकार अपने असंवैधानिक काम को नहीं कर सकती। ये देश में बापू का विचार और बाबा साहब अंबेडकर का विधान के अलावा कोई नहीं चला सकता, ये हमारा चुनौती है। और बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पिया है वो दहाड़ा है। और हम सर शिक्षा लेकर के और दहाड़े हैं और कोई हमारे साथ में टिक नहीं सकता। और अगर कोई अगर ये डिफेंड करेगा
के विज्ञापन का पालन नहीं होगा, संविधान का पालन नहीं होगा, उसके चेहरा काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, टिक नहीं पाएगा हमारे सामने। और मेरे साथियों, एक बार जीवन का दे दो, 28 नवंबर को पटना की सड़कों पर आ जाओ, मौसम भी बढ़िया है एकदम बिंदास, और ये शीतकालीन सत्र के पहले का बेहतरीन वक्त है, आओ आवाज उठाओ और एकदम जीत तुम्हारी होगी, जीत हमारी होगी। ये बताइएगा कि जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, लेकिन 30,000 कुछ आपका जो अभ्यर्थी हैं, स्टेट के अभ्यर्थी, उनको भी नौकरी नहीं दी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्यों? ये 19 लाख रोजगार का वो वादा तो 2020 के विधानसभा इलेक्शन में किया गया था, ये 2019 का मुद्दा है, और यहाँ मुद्दा रोजगार का नहीं है, हमने रोजगार नहीं मांगे थे, हम 2019 में सरकार ने रोजगार निकाला, सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा निकाला था। सरकार अगर कोई रोजगार देगी, सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षक जाएंगे तो तौर तरीके से न जाएंगे, किसी के बाबूजी का दुकान है कहा कि अपने तरीके से आप रिक्रूटमेंट करोगे, अरे जो संवैधानिक जो तरीका है उसके तरीके ना करेंगे कि आप जो उसको चाहेंगे उसको उठा उठा करके टीचर बना देंगे आप, तो संवैधानिक पद पर रह करके संवैधानिक काम करना होगा, आपको तरीके से बहाली प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। हम गैर तरीका को अस्वीकार करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे, और कोर्ट में भी मैंने केस कर दिया है मेरे साथियों, कोर्ट में भी केस कर दिया है, जो 6 महीना से सुनवाई नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूँ अगले 1 महीना के अंदर हम सुनवाई करवा देंगे, और मैं तुरंत लिस्ट करवाने जा रहा हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार के नाम से आप केस के काउज जो लिस्ट है, केस का जो लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा, मेरा नाम उस पर आ गया है। और अब मेरे भाई हैं संजीव भाई, वो बोलेंगे, बोलवाइए इनको। बोलना ये है कि देखिए, हम लोग जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई इतना सीट खाली है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया गया था, उस समय कोरोना काल था, बहुत से लोग गए देखने देने के लिए, छपरा गया कोई, भागलपुर गया, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होना था ऑनलाइन वहाँ गया लोग, लेकिन इसमें महिलाएँ लोग भी गई हैं, तो उन लोगों का भी दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है, साथ में अनिल सर हैं जो लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि भाई सरकार को जगाएं, सरकार सोए हुई है, इसलिए सोए हुई है कि वो बहाली तो निकाल दी दबाव में, किसी के दबाव में बहाली निकाल दी या मूर्ख बनाने के प्रयास किया गया, तो मूर्ख हम लोग नहीं हैं, ये जनता है, और हम लोग जो है छात्र हैं, तो उसमें क्या है कि छात्र लोग जो है पढ़ के लिख के नौकरी छोड़ करके ये नौकरी में आना चाह रही है, क्यों? क्योंकि जो है हम भी आगे बढ़ेंगे और बिहार का बच्चा भी आगे बढ़ेगा, स्कूल में जेंटिल लोग काम करेंगे और अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, तो दूसरा शुभम कुमार पैदा होगा बिहार में, तो शुभम कुमार को लाने के लिए, जो शुभम कुमार हम लोग का जो है UPSC टॉपर है बिहार से सौभाग्य से, तो वो शुभम कुमार कैसे बनेगा? आप इधर से उधर कर करके टाल मटोल करके 5 साल 6 साल लटका करके क्या सोचते हैं? आपका इलेक्शन होता है, विधायक जो है जीतता है, उससे पहले ही आप सोचते हैं कि हम कोट पैंट पहन करके चल जाए, ज़रा सा शपथ ग्रहण मिल जाए, मंत्री बन जाए, तो आप अपने लिए बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन यही मांग करते हैं नीतीश कुमार से, जो हम लोग के गार्जियन है, शिक्षा मंत्री से जो हम लोग के गार्जियन है, बस हम नम्र निवेदन करते हैं, आदरणीय कोर्ट से भी नम्र निवेदन करते हैं, जल्द से जल्द फैसला करके हम लोगों को नियुक्ति दें, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, STET अभ्यर्थी थे अनिल और उनके साथी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया अनिल ने कि जो 28 तारीख को STET अभ्यर्थी का आंदोलन होने वाला है, आपको हम बताते चले कि 30,675 मेरिट अभ्यर्थी हैं, 2019 में ये फॉर्म निकला था STET का, उसके बाद 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अभी तक इन लोगों की भर्ती नहीं हुई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं 19 लाख का रोजगार कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है। अनिल ने कहा है साफ साफ कि भव्य आंदोलन करने जा रहे हैं 28 तारीख को, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है इनके साथ, क्या कुछ इंसाफ करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें द पंचायत के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।